स्टोरी फूलिश लायन। आज संपर्क दीदी सुनाएंगी शेर और खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक लायन रहता था। भाई जंगल का राजा लायन यानी शेर। वो रोज एक एनिमल यानी जानवर का शिकार करता और बड़े ही मजे से अपना खाना खाता। पूरा जंगल शेर से थर थर कांपता था। धीरे धीरे जंगल में एनिमल्स यानी जानवर कम होने लगे और इससे सब जानवर परेशान हो गए। सब जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। अरे भाई मीटिंग यानी सभा, हाँ, जिसमें सब लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। जानते हैं उस मीटिंग में कौन कौन आए थे? फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेर यानी भालू, मंकी माने बंदर, एलिफेंट माने हाथी, रैबिट माने खरगोश। सब एनिमल्स यानी जानवर बैठकर सोचने लगे कि कैसे इस परेशानी से बाहर निकला जाए। बस फिर क्या था, सब एक एक कर अपनी बात कहने लगे। कालू बैर यानी भालू बोला, हो सकता है कुछ सालों में लायन यानी शेर खुद ही मर जाए। जंबो एलिफेंट यानी हाथी बोला, मुझे तो लगता है कि हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ तो हम आज नहीं तो कल शेर का खाना बन ही जाएंगे और थोड़े दिनों में बचेंगे ही नहीं। इस बात पर रानी फॉक्स यानी लोमड़ी बोली, ये तो कोई हल नहीं हुआ। हम क्यों अपना घर छोड़कर जाएं? कुछ और सोचना चाहिए। क्यों ना हम बूढ़े जानवरों को शेर के पास भेज दें? सोना डियर यानी हिरन ने ये बात सुनकर कहा, हाँ ये अच्छा है, ऐसे हम बच जाएंगे। फिर चिंपू मंकी यानी बंदर बोला, नहीं नहीं ये गलत है। सिर्फ बूढ़े जानवर ही क्यों, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें सब जानवरों के बारे में सोचना चाहिए। हम सब रोज एक जानवर शेर के पास भेजेंगे। कौन सा जानवर जाएगा इसका फैसला पर्ची से निकाल कर दिया जाएगा। चिंपू मंकी की ये बात स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, फ्रॉग यानी मेंढक को बहुत अच्छी लगी और सब ये बात मान भी गए। पर राजू रैबिट यानी खरगोश ने कुछ भी नहीं कहा। फिर सब जानवर अपनी बात लेकर लायन के पास गए। लायन अपनी गुफा से बाहर आया और जोर से दहाड़ा। उसने सब जानवरों से गुस्से से पूछा, क्या बात है, क्यों आए हो तुम सब यहां पर? चिंपू मंकी सामने आकर बोला, हम आपसे कुछ बात करने आए हैं।
हम ये कहने आए हैं कि हम रोज एक जानवर आपकी गुफा में भेज दिया करेंगे, जिसे आप जैसे चाहिए शिकार कीजिए और खा लीजिए। ऐसे आपको रोज रोज शिकार के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। लायन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मुझे पसंद है, पर याद रहे कि जानवर मेरे पास टाइम पर आ जाए, समझे? फिर क्या था, रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा। पर जानते हैं, राजू रैबिट मन ही मन अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा था, और एक दिन उसकी बारी आ ही गई। फिर क्या, राजू रैबिट यानी खरगोश धीरे धीरे शेर की गुफा की तरफ जाने लगा और रास्ते में सो गया। पूरे 2 घंटे देर से पहुंचा। शेर गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया। राजू को देखते ही बोला, इतना छोटा सा शिकार और तुम इतनी देर से आए हो? राजू बोला, I'm sorry, यानी मुझे माफ कर दीजिए। हम तो 10 रैबिट्स थे, पर रास्ते में हमें एक दूसरा लायन मिला। उसने हमें कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ। देखते ही देखते वो सारे रैबिट्स को खा गया। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। ये सुनते ही लायन जोर से दहाड़ा और बोला कि चलो चलो, मुझे लेके चलो उस लायन के पास, मैं उसे मार डालूंगा। इस जंगल का राजा मैं हूँ, समझे? राजू रैबिट लायन को एक गहरे वेल यानी कुएं के पास ले गया और बोला, वो लायन ना यही रहता है राजा साहब, यही अंदर, जरा अंदर देखिए। लायन आगे गया और उसने वेल यानी कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। फिर उसने सोचा कि एक और लायन उसके जंगल में आ गया है। जोर से दहाड़ा। बस फिर क्या था, लायन ने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी और डूब कर मर गया। राजू रैबिट खुशी से नाचने लगा और जाकर ये बात उसने सभी जानवरों को बता दी। फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेर यानी भालू, मंकी यानी बंदर, एलिफेंट यानी हाथी, स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, सब ने राजू रैबिट की बहुत तारीफ की और लायन की बेवकूफी पर बहुत हंसे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजेदार थी ना? मुझे पता था। तो पूछूं संपर्क दीदी के कुछ सवाल। जंगल का राजा कौन था, बताइए बताइए, बड़ा आसान सवाल है। लायन, जी हाँ बिल्कुल ठीक। चिंपू मंकी ने क्या तरकीब लगाई? रोज एक एनिमल लायन के पास जाएगा। भाई वाह, बहुत बढ़िया। उस मीटिंग यानी सभा में 8 एनिमल्स आए थे, क्या आप उनके नेम्स बता सकते हो?
फॉक्स यानी लोमड़ी, डियर यानी हिरण, बेयर यानी भालू, मंकी यानी बंदर, एलिफेंट यानी हाथी, स्नेक यानी सांप, आउल यानी उल्लू, रैबिट यानी खरगोश। राजू रैबिट ने लायन को झूठ क्यों बोला? ताकि लायन सोचे जंगल में एक और लायन है और उसके साथ वेल की तरफ चल पड़े। भाई वाह, आप भी राजू रैबिट की तरह बड़े होशियार निकले। कुएं के अंदर कौन सा एनिमल था? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। वहां वेल के अंदर कोई और नहीं था, वो तो खुद लायन की परछाई थी। है ना? क्या लायन सच में बेवकूफ था? नहीं, राजू रैबिट ज्यादा चालाक था और उसने सारे एनिमल्स की जान बचा दी। है ना भाई, आप लोगों को भी राजू रैबिट की तरह एकदम चालाक और होशियार बनना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने कौन से नए वर्ड सीखे? जल्दी से याद करो और मुझे बताओ। फॉक्स, डियर, बेयर, मंकी, एलिफेंट, स्नेक, आउल, रैबिट, लायन, एनिमल्स, वेल। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।